नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गंज बासोदा के समाज सेवियों ने कोविड सेंटर को दान की 5 ऑक्सीजन मशीन। विधायक की मौजूदगी में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बासोदा को सौंपी मशीन। कोरोना से जूझ रहे मरीजों को मिलेगी राहत। गंज बासोदा के विधायक लीना जैन के नेतृत्व में आज शहर के व्यापारियों ने शहर के कोविड केयर सेंटर को 5 ऑक्सीजन मशीन दान की है। बता दें कि शहर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब नगर के समाज सेवी सहयोग करने के लिए सामने आ रहे हैं। विधायक लीना जैन के नेतृत्व में आज गंज बासोदा के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविन्द्र चढ़ार को यह ऑक्सीजन मशीन इन समाज सेवियों के द्वारा दान कर दी गयी। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। सेंट्रेटर मशीन 5 उपलब्ध करवाई है। ये हमें बासोदा के समाज सेवियों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। आदरणीय श्रीमती इंदिरा जैन जी के द्वारा 2, हमारे अनाज तिलन व्यापारी संघ की तरफ से 2, और हमारी आदरणीय श्रीमती ओमवती गुप्ता जी की तरफ से 1। और आगे भी ऐसी कोई व्यापार महासंघ के साथ रहेगी और काफ़ी और दान करने की। आपने एक और सवाल करा था कि और क्या सामान आपने उपलब्ध जी 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 है, तो मैंने विधायक निधि से जी कम से कम 45 लाख की सामग्री कोविड केयर के लिए उपलब्ध करवाई है। आगे भी आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी विधायक निधि से और भी जो भी आवश्यकता रहेगी वो पूर्ति करेंगे। हम लोग यहाँ पर मरीजों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना नहीं करने देंगे। हमारे कोविड केयर सेंटर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले जो लेबर चार्ज रहती है, अभी खाने के लिए उनके लिए लाले पड़ रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कहेंगे? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त उपलब्ध करा दिया है, तो मुझे लगता है कि जनता को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई और हमें कहीं से भी ये मिला कि जानकारी मिली कि गरीब परेशान है खाने के लिए, तो हमारे नगर के समाज सेवियों के साथ मिलके हम लोग पहले के भांति सेवा के कार्य में उतर जाएंगे। अभी तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि समस्या उतनी गहरी नहीं है।